गाइस वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों को मैं आज ब्लॉग दिखाऊंगा जहाँ पे मैं खेलता कूदता था और अपने दोस्तों के साथ बैठता उठता था। दोस्तों आज देखने के बाद बहुत काफ़ी बदल गया है मेरे हिसाब से। इस समय जो बदला है बहुत खूबसूरत बदला हुआ है। उस समय जो थी वो खूबसूरती, इस खूबसूरती से बहुत बहुत फ़र्क है। वो खूबसूरती का आलम वो था कि मेरे दोस्त, मेरे बचपन का जो यादगार है, जिस चीज़ को याद कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच में वीडियो डाल भी रहा हूँ, बहुत सुंदर हुआ करता था। लड़कपन की ज़िंदगी थी, हंसी बोलना, खेलना कूदना, टहलना लोगों के साथ में, गपशप करना अपने साथ में। यही लड़के लोग पढ़ते भी थे, खेलते कूदते हम लोग थे। तो वो चीज़ अब याद करता हूँ ना तो सोचता हूँ कि वो दिन वापस आए, पर वो दिन वापस आएगा नहीं। अब ये आज भी जो वीडियो बना रहा हूँ, ये भी 2-3 साल 4 साल 5 साल बाद फिर वो चीज़ सोचूंगा कि काश आज का दिन ये आ जाए। ऐसे सोचते सोचते वो घड़ी आ जाएगी आपको ऊपर जाने की। तो मैं सोचता हूँ कि मैं ऊपर जाऊँ, बात की बात है। तो आज का जो चीज़ें हैं, जो अब तो लोगों के पास, हर लोगों के पास फ़ोन है, तो आज 10 साल पिछले देखेंगे का तो फ़ोन नहीं होने की वजह से सब लोग माइंड में ये चीज़ मेमोरी में बस रखते थे इस बात को कि हम लोग क्या करते थे, बचपना कैसा। तो आज के यूनिक अपना अलग ही देश हो चुका है। सबके पास फ़ोन है, बहुत लेटेस्ट अलग अलग फ़ोन है, अच्छे से रिकॉर्डिंग हर चीज़ों को अच्छे से दर्शा सकते हैं, उस चीज़ को कवर करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रख सकते हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है। तो ये चीज़ें यादगार पल हमेशा आपका बना रहेगा। तो आप अगर जब उस चीज़ को देखना चाहेंगे तो वो तुरंत देख सकते हैं। इसलिए इस ब्लॉग को इसीलिए मैं बनाया हूँ। तो ब्लॉग के बनाने का मकसद यही है कि इस चीज़ को फीड करके रखूँ, जब मुझे ज़रूरत हो, जब मुझे याद करना हो, जब चीज़ें वो बदलाव आए उस दिन में और इस दिन में, तो मैं इस चीज़ को देख सकूँ कि क्या बदला है, उस समय पहले क्या था। जैसे मैं आज 10 साल पहले की आपको अगर बात बता रहा हूँ तो वो फीलिंग आप नहीं समझ पाओगे, या समझोगे तो अपनी फीलिंग समझ पाओगे, मेरी फीलिंग को नहीं। तो इसलिए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक या शेयर करो अच्छा लगे तो। और एक चीज़ दिखाऊँ, बहुत अच्छा लगा इस बात को लेके कि मतलब पहले तो ये सब झाड़ ओड़ के वजह से मेरा घर नहीं दिखता था। अब देखो ये मेरा पुराना वाला घर वहाँ पे है, ये वाला देखो, ये मैं दिखाता हूँ, ये दिख गया ठीक है। अब यहीं से देख लो, मेरा घर भी यहीं से दिख रहा है, ये देखो। वाह वाह भाई वाह, मज़ा आ गया ये बात लेके। देखो नया वाला घर, कम से कम अगर घूम के जाओगे तो कोई 4 किलोमीटर है, यानी शॉर्टकट जाओगे तो 2 किलोमीटर, 1.5 या 2 किलोमीटर, मगर 2 किलोमीटर भी कवर कर ले रहा है मेरा मोबाइल। ये देखिए देखिए, ये मैं आज मतलब बने हुए भी 5-6 साल हो गया, तो उसी बीच में सिर्फ एक बार बीच में आया था, उसके बाद आज आया, यानी कि 4 साल पर आया था। और फिर मैं अभी ये नवंबर में आया था, तो अभी भी मैंने ये चीज़ को नोटिस नहीं किया था। तो हम लोग भी यहीं देखो, जामुन का पेड़ है ये, हम लोग इसी के नीचे बैठते थे, इसी की जगह पगडंडी खेलना कूदना, गिल्ली वगैरह डंडा हम लोग यहीं से खेलते थे। तो बहुत मज़ा हुआ करता था बचपन का। अब तो बहुत कुछ बदल गया है। आज पहली बार आ रहा हूँ उतने दिन के बीच में, यानी 6-7 साल के बाद आ रहा हूँ यहाँ पर, वीडियो कवर कर रहा हूँ और आज देख रहा हूँ कि कितना बदल गया है सब कुछ। ये सब पहले हुआ नहीं करता था। अभी सब देखो, उनका शीट वगैरह पत्र वत्र लग गया है, पहले ये सब नहीं होता था। हम लोग यहाँ पे खेलते थे, वहाँ पे एक बैठका हुआ करता था ठाकुर साहब का, तो हम लोग वहाँ बैठते थे तो खेलते थे कूदते थे। तो हम लोग जब थक जाते थे यहाँ बैठते थे, यहाँ से पानी नल से पीते थे, या सुबह उठ के हम लोग लेटरिन वगैरह करने के लिए वहाँ पर जाते थे, तो हम लोग पानी वानी आके यहीं पीते थे, हाथ वगैरह वॉश यहीं करते, यानी हम लोग खेलने कूदने का जो भी कुछ हुआ इसी मैदान में हुआ पूरा। और ये पोखरा, ये तालाब जो भी है, हम लोग इसी में नहाते होते थे, बहुत इंजॉय किया। और बचपना याद जब होता है तो आँख में आंसू आ जाती है कि यार काश वो ज़िंदगी फिर से वापस लौट आए। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से खासा सजाया उजाया हुआ है, अच्छा लग रहा है। कोई भी नहीं दिख रहा है, मतलब जो भी सब यंग बचपन में जो थे लड़के, अभी सब यंग हो गए, हम लोग यंग हो गए तो हर कोई कमाने खाने के लिए निकल चुका है। तो ये भी बहुत बेस्ट है, जामुन यहीं से खाते थे भाई। देखो जामुन खाने का यही एक मात्र जड़, और यही है जगह जो हम, जहाँ से हम लोग खाते पीते थे। और आम का पेड़ भी देखो, इनका आम का पेड़ भी नहीं दिख रहा है, आम का पेड़ भी बहुत ज़बरदस्त यहीं होता था, इधर जो रखा है मशीन जो रखा हुआ है, आम का पेड़ और वहाँ भी होता था, सब आम का पेड़ भी बंद हो गया। पहले अमरूद भी यहीं इनके पास हुआ करता था, अमरूद भी यहीं, खासकर वहाँ से अमरूद थोड़ा कम खाते थे, यहाँ से अमरूद ज़्यादा मिलता था। आम उनके पास बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इनके पास भी आम, यानी यही दो घर के बीच पे हम लोग आम वाम अमरूद सब तोड़ खाना पीना यहीं से हुआ करता था। और चोरी कभी नहीं किसी का किया, देखो भाई एक चीज़ है, चोरी हमने कभी किसी का नहीं किया।
और ये ककड़ी उकड़ी बोते थे, और इनका बाढ़ जब आता था पानी लगता था मछली भी यहाँ मिल जाती थी। आज अब तो बाढ़ नहीं है, बरसात में कभी मुलाकात होगी तो वीडियो भी डाल दूंगा। दोस्तों मैं यहाँ पे खेला कूदा करता था, गिल्ली डंडा खासकर इसी यही एक जगह था और एक जगह उधर हुआ करता था। दिखाते हैं आपको, बस थोड़ा वीडियो में बने रहो, एक एक चीज़ देखो। और एक चीज़ बताऊँ, जब ज़्यादा ही छोटा था ये लड़का जो आ रहा है ना, इसके जब उम्र का था मैं, तो यही बाथरूम करता था, यही 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 जगह है, ये मैदान, ये मैदान यही करता था छोटा था। तो पहले देखो लैटरिंग हुआ नहीं करता था उस टाइम, मेरे झूठ बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। ये सब जो बदलाव हुआ है करीब 10-12 साल से, काफ़ी बदलाव अच्छा हुआ है। जो स्थिति मेरे घर की सुधरी है, जो फैसिलिटी मिली है, वो सिर्फ 10-12 साल से बहुत अच्छा हुआ है। तो ये तालाब है, हम लोग कहते हैं इसको पोखरी, ये हमारे गांव में पोखरी पोखरी के नाम से जाना जाता है। तो इस पोखरी को, इस तालाब को हथिया डुबान बोलते थे, यानी दो पार्ट में है। ये देख रहे हैं आप, इस पार्ट को छिछिल बोलते थे, छिछिल मतलब इसकी गहराई कम, ये हथिया डुबान मतलब कि हाथी डूबने का पूरा चांस है। तो जब हम लोग एक दूसरे को बताने का, ये देखो एक मिनट, ये देखो बत्तख, शायद ये भी चीज़ मैं सुनता था कि बत्तख चराने के लिए आते हैं, मगर आज पहली बार देख रहा हूँ मेरे दोस्त। जब से घर छोड़ा हूँ 2014-12 से, तब से इस चीज़ को भाई मैं कभी देखा नहीं था, बताते थे, आज देख लिया। अब इनसे पूछूंगा क्या रेट है, एक लेके जाऊंगा यहाँ से, खरीदूंगा। तो अब ये हथिया डुबान में लोगों को अगर जो तैरना नहीं आता था, तो उनको पहले बताया जाता था कि ये हथिया डुबान है, इसमें जाओगे डूब जाओगे, इससे वो समझ जाता था। छिछिल है यानी आप यहाँ तक आगे तक, यहाँ तक बस, जो जिसको जिनको तैरना नहीं आता था और या इनके इनके बारे में नॉलेज नहीं होता था कि यहाँ पे पानी कितना लगता है, कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे नहीं, तो छिछिल ये बताया जाता था ताकि वो नज़दीक आके यहाँ पे नहा ले। और जिनको जो एक्सपर्ट पूरा हुआ करते थे, तो भी उनको बताया जाता कि ये हथिया डुबान है। एक्सपर्ट मतलब कि जान माल का इसमें डर है आपको, अगर आपको इतना गट्स है जाने का तो जाओ, मगर एक बार ये भी गहरा है, आप यहाँ पे भी जाके नहा सकते हो, यानी आपका डूबने का तो चांस है, तैरते हो तो आप समुंदर में भी नहीं डूबोगे। कहने का मतलब ये, यहाँ पे लोग, मैं खासकर यही बनाता था, जब मुझे अच्छा तैरना आ गया, कॉन्फिडेंस हो गया कि मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे नहाता था। और एक बार मेरा छोटा वाला भाई भी इसी जगह नहलाने के लिए मैं आया था, जब मैं थोड़ा मतलब बड़ा हो गया था काफ़ी, करीब 12-13 साल का, तो मेरा भाई जो है ये उम्र का था, मैं उसको आलम को नहलाने के लिए आया था, तो आलम यही डूब रहा था, तो उसको मैंने निकाला नहलाने के लिए लाया था। तब तक कोई आज उछल के उसके बाजू में कूद गया, जिसकी वजह से उसका जो खड़ा था वो मेरा भाई नहाने के लिए, तो उसका पानी के फवारे से मतलब उस वो खड़ा नहीं हो पाएगा, गिर गया था। तो मैं तुरंत पकड़ के बाहर लेके यहाँ पे आया। तो हम लोग जब नहा लेते थे ना, तो यहीं आके बैठते थे यहाँ पे, ये मिट्टी वहाँ तक हुआ करती थी, धीरे धीरे बरसात है, पानी है, मिट्टी किसी किसी की जरूरत होती तो काट के फवारे से लेके जाते थे। तो अब ये देखिए हथिया डुबान, अब हथिया डुबान तो रह नहीं गया फिलहाल, अभी भी बहुत काफ़ी पानी है इसमें, बाहर से ऐसा दिख रहा है, तो अभी भी अंदर मैं अगर सही से खड़ा हो जाऊँ तो शायद डूबूँ। तो यहाँ पे देखिए बत्तख, कितना ज़बरदस्त बत्तख है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये लड़का उधर दिख रहा है, वो लड़के से पूछूंगा कि बेचना है तो भाई बेच दे, लेके जाता हूँ मैं, या तो उसके पास अंडे भी होंगे। बत्तख का अंडा बहुत गर्म होता है, गर्मी के समय में भी मेरे हिसाब से खाना ठीक नहीं लगेगा, और ज़्यादा मात्रा में अगर एक दो बार ऐसा खा लिए तो भी चल जाएगा, मगर कालरा होने का चांस होता है क्योंकि इसके अंडे बहुत गर्म होते हैं। मैं एक दो बार शायद खाया हूँ इसका अंडा, अपने यादगार, जो मेरा माइंड कहता है कि मुझे याद जहाँ तक है, मैं दो बार एक बार खाया हूँ, मुर्गी का देसी बहुत खाया हूँ। तो ये इलाका पूरा हो गया, घर के गाँव के बाहर का सीन हो गया। सैड़ा, इस एरिया फील्ड को हम लोग सैड़ा सैड़ा बोलते हैं, सैड़वा सैड़वा, तो सैड़वा सैड़वा नाम से फेमस है। और वो देखिए वहाँ पे जल्दी कोई जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत काफ़ी पहले लोग बताते थे कि वहाँ थोड़ा भूत शैतान प्रेत वगैरह जो भी हो, झाड़ सब जो पेड़ है ना, तो ये बोलते थे। तो अब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब हम लोग को डरवाया जाता था कि हकीकत, मुझे लगता कि हकीकत ही ये बात थी, बहुत लोगों को पकड़ भी लेते थे। तो यहाँ पे देखो आम का पेड़ एक हुआ करता था यहाँ पे, वो भी आम का पेड़ है ही नहीं, तो हम लोग भी मछली, और हाँ मछली बहुत मिलता था उस जगह पे, उस जगह पे बहुत मछली हुआ करता था। तो अब वीडियो जो है ब्लॉग यहीं मैं एंड कर दूंगा, क्योंकि देखो घूमने टहलने बाथरूम करना रहा तो यहाँ पे हम लोग जाते थे, बाद में यहाँ पे धोते होते थे। देखो भाई हर गांव में सबके होता है, ऐसा नहीं कि मेरे ही गांव में ऐसा रूल्स है, होता था।
और वहाँ पे जो लड़का बैठा वहाँ पे बैठते थे। अभी यहाँ कभी कभी सांप भी निकलता था उसके उसमें से, अब तो नहीं निकलता होगा क्योंकि बहुत साफ सुथरा आप दिख रहा है पहले से ज़्यादा, क्योंकि गर्मी का समय है तो अब इतने घास फूस तो जमेंगे नहीं, पानी वैसे भी सूख रहा है, अब वो लोग तो वैसे भी सूख जाएंगे पानी को कमी की वजह से। तो इसका ब्लॉग इतना है, अब आशा करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग मेरा पसंद आएगा, और दबा के शेयर करिए और लाइक करिए अपने, और कमेंट्स में बताएं आप लोगों अगर इससे जुड़ा हुआ कुछ आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल हैं तो आप भी कमेंट्स कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग के साथ। इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और देखने के लिए मेरे वीडियो भाई थैंक यू आप लोगों को, और शेयर करते रहें और थोड़ा व्यूज़ बढ़ाइए, व्यूज़ बहुत कम मिल रहा है मुझे, और देखते हैं मेहनत करेंगे व्यूज़ तो मिलेगा, कंटेंट लोगों को अभी समझ में नहीं शायद आ रहा है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय। नहीं हुआ।